हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे लहसुन हरी मिर्च का अचार। सबसे पहले हम लहसुन की कुछ कलियां लेंगे। मैंने लिया था 100-150 ग्राम जितना लहसुन लिया। एक तवा रखा गर्म करने के लिए, मैंने एक तवा रख दिया। उसमें मैंने मसाले डाले, 2 चम्मच जीरा डाला मैंने अपने लहसुन और हरी मिर्च के अकॉर्डिंग ही डाला। आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, जितना भी अचार डालना है उस हिसाब से डाल सकते हो। 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच ही सौंफ, 100-150 ग्राम से लहसुन था मेरे पास, ठीक है, 50 ग्राम जितनी मिर्ची थी, और मैंने 1 चम्मच राई का डाला, जो बारीक वाली आती है ना सरसों, उसमें डाला, और 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने धनिया लिया। साबुत धनिया को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया इन दोनों को। अब चारों मसालों को मैंने हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी इसको, ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए अच्छी तरह से। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो करना ही करना। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा होगा उसके बाद में ही मैं पीसूंगी, गर्म को नहीं मिक्सर चलाना। अब मैं कुछ लहसुन की कलियां लेके उसको मैं काट रही हूँ अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा काट सकते हो। मैं उसको एक कली को 2 पार्ट कर रही हूँ उसके, आप चाहे 4 भी कर सकते हो। और कुछ मैं हरी मिर्चें काट लूँगी छोटी छोटी, और कुछ मैं उसमें चॉपर में पीसूँगी। अब मैं एक चॉपर ले लिया, उसमें मैंने आधा लहसुन उसमें चॉपर में डाला, कुछ हरी मिर्चें भी मैंने उसमें चॉपर में डाली। ये ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं हैं, आप जैसे हिसाब से ले सकते हो। अब आपको तीखी भी लगती है तो उसमें आप बीज सीड से निकाल दें उसके सारे, तो तीखी कम हो जाती है उससे। लहसुन हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है। लहसुन का अचार, लहसुन का परांठा, किसी तरीके से भी लहसुन हमें खाना चाहिए। अब छोटा बड़ा जैसे चॉप करना, मैं तो इसको बारीक चॉप करूँगी, आप जैसे चाहे तो कर सकते हो। अब मैं इसको चला लूँगी अच्छी तरह, फिर मैं चेक कर लूँगी। अब मैंने चेक कर लिया, थोड़ा सा मोटा मोटा था, फिर मैंने दोबारा से चलाया इसको भी। अब मैं फिर दोबारा से चेक कर रही हूँ इसको, अगर मुझे नज़र लगाएगा कि थोड़ा मोटा है तो इसको दोबारा से चला सकती हूँ। अब मैं इसको दोबारा से चॉप कर रही हूँ। मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें डाला मैंने सरसों का तेल, जितना मेरे पास अचार था उसी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने तेल डाला, क्योंकि तेल ज़्यादा नहीं भी डालना चाहिए, क्योंकि वो तेल ही तेल नज़र आता है, लहसुन नज़र नहीं आता फिर उसमें। अगर लंबा टाइम के लिए रखना है तो आप ज़्यादा सरसों का तेल डाल सकते हो। अब मैं इसको अच्छी तरह गर्म कर लूँगी, ताकि इसका स्मोकिंग फ्लेवर जो निकल जाए और धुआँ, तेज धुआँ उठे। जलाना नहीं है उसको, काला नहीं करना हमने तेल को, तो अच्छी तरह गर्म करना है, इसका धुआं उठने लग जाए अच्छी तरह। देखो धुआं उठ रहा है उसमें, मैंने गैस को बंद कर दिया। अब मैं इसको कुछ हरी मिर्चें हैं ना उसको काट रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। चाहे आप साबुत भी डाल सकते हो उसको, एक चीर लगा लो फिंगर की जैसी, चीर लगा के भी डाल सकते हो उसको, पर मैं छोटे छोटे टुकड़े काट रही हूँ उसको। अब पूड़ी, परांठा और वैसे भी राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये अचार। तेल देखो ये धुआं छोड़ने लग गया। अब मैं इसको गैस को बंद करके थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी तेल को। अब मैंने दोबारा से गैस जला दी, ताकि तेल जो है ना वो स्मोकिंग फ्लेवर निकल चुका था उसका। और सारा जो मैंने काटे भी थी ना, हरी मिर्च लहसुन काटा था जितना भी मैंने आपने, तो उसमें मिला दूंगी मैं सारा इकट्ठा कर।
एक ही जार में इकट्ठा मिला दूँगी उसको। कुछ चॉप की भी मोटी मोटी होगी और कुछ मैंने चॉप किया हुआ था उसको। और इसी तरीके का अचार खाओगे तो सब्जी का भी, जैसे सब्जी का टेस्ट आता है वैसे आ रहा होता है इसमें। अब मैंने दोबारा से गैस जला दी है और स्लो, बिल्कुल स्लो गैस पे ही भूनना है इसको। मैंने सारा उसमें मटेरियल डाल दिया, लहसुन और हरी मिर्च उसमें डाल दी मैंने। और ध्यान रखना कि गीला चम्मच बिल्कुल में नहीं लगाना इसमें। अब मैं इसको हल्का हल्का थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए थोड़ा सा। अब मैं इसके में ग्राइंड किया हुआ जो धनिया, जीरा, सौंफ जो भी मैंने भुना था ना उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। दरदरा ग्राइंड करना है उसको, पूरी तरह नहीं पीसना। अब मैं उसमें डाल दूँगी जितना भी मसाला है। अब मैं डालूँगी हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून ही मैंने नमक डाला इसमें। अब मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे तो लाल मिर्च, दूसरी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हो तीखा पन चाहते हो तो, क्योंकि हरी मिर्च है तो इसमें मिर्च बनती नहीं है। इसमें सिर्फ कलर लाने के लिए मैंने डाला। अब मैं डालूँगी अजवाइन। अजवाइन को मैंने हाथ में मसल कर डाला कि इसका फ्लेवर अच्छा सा आता है। अभी अच्छी तरह भून लेंगे इसको, क्योंकि लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। इसको पूरी तरह पकाना नहीं है लहसुन को, ना ही कलर लाना है। कलर लाएंगे तो इसका एकदम काला काला सा हो जाएगा और हमें ऐसे अचार जैसा ही दिखाना है इसको। तो अच्छी तरह भून लेना है इसको। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए एक बॉल में निकाल लूँगी। गरम गरम इसको जार में नहीं भरना मैंने, ठंडा करके बिल्कुल। मैंने इसको 2 से 3 घंटे पहले इसको ठंडा करने के लिए रख दिया और सच में बहुत टेस्टी बना था ये जार। अब मैंने इसमें तेल कम डाला। जैसे आप जार में डालोगे ना तभी तेल डालना इसको, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से तेल डाला जाए। गरम करके ही डालना, कच्चा तेल ही डालना इसमें। अब मैं गैस चला दूँ, उसमें रखूँगी कोयला उसमें स्मोकिंग फ्लेवर लाने के लिए। फिर मैंने एक प्लेट में रखकर इसको थोड़ी सी मैंने हींग डाली, पीसी हुई हींग डाली मैंने उसके ऊपर। और जार को जैसे भी कोई किसी भी जार में आप डालना चाहते हो उसी को उल्टा करके उसके ऊपर रख दें ताकि उसका स्मोकिंग फ्लेवर होता है ना, जो हींग का स्मोकिंग फ्लेवर उस जार के अंदर आ जाए। देखो ये धुआँ से इकट्ठा हो रहा है ना आपस में, तो ये अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। 1 से 1.5 महीना आराम से चल जाता है लहसुन का अचार। आप कहीं भी सफ़र में जा रहे हो तो परांठे पूड़ी के साथ बहुत टेस्टी जम्मी से अचार लगता है ये। अब मैं देखो ये ठंडा हो चुका है। मैं 2 से 3 घंटे इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। फिर मैं एक जार में इसको भर रही हूँ। इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज ही डाला मैंने अचार तो कल खा सकते हैं आराम से अचार इसको। लो जी आपका यम्मी सा लहसुन और मिर्च का अचार तैयार है। आप इसमें चाहे अदरक भी डाल सकते हो, मैंने अदरक नहीं डाला इसमें। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक भी जरूर करना। थैंक यू। अचार यम्मी सा तैयार है आपका।